वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैशेज़ के बारे में सारा कुछ आ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ मेरी एक लैश लाइन है जिसका नाम है सिमॉल लैशेज एंड मेरी वेबसाइट का नाम है सिमॉल लैशेज डॉट कॉम जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्पेशल कोड भी बताने वाली हूँ लैशेस को खरीदने के लिए और इस ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी कि हम लोग लैशेस के बारे में डिटेल में बात करें अर्लियर जब मेरी लैश लाइन लॉन्च हुई थी तब भी मैंने डिटेल में, में बात की थी पर इस बार हम अगेन से करेंगे और मैं आपको हर एक पेयर को मेरी आँखों पर लगा के वीडियो के जरिए दिखाऊँगी लास्ट टाइम हमने सिर्फ उनको डिस्कस किया था पर अब हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं उनके बारे में क्वेश्चन नंबर वन क्या लैशेज लगाना बहुत ज़रूरी है आ मेरे हिसाब से लैशेस लगाना बहुत ज़रूरी है उन दोस्तों के लिए जो मेकअप पहनते हैं लगाते हैं क्योंकि जब आप आ, मेकअप के साथ लैशेस पहनते हैं तो आपका मेकअप ज़ीरो से हंड्रेड हो जाता है और बहुत ही ग्लैमरस दिखता है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और लैशेस uh, कितने तरह की होती हैं आप नेचुरल लुक वाली लैशेस पहन सकते हैं ड्रोमेटिक विंग्ड जैसे भी आपको अच्छा लगता है मेरे पास कौन कौन से स्टाइल हैं हम उनके बारे में बात करते हैं जो मैंने अभी स्टाइल पहना है ये है पंजाब आ, ये मेरी लैश लाइन का सबसे ज़्यादा ड्रोमेटिक स्टाइल uh, है जिसको आप स्पेशल ओकेजन या इवेंट्स में पहन सकते हैं पर अगर आपको हमेशा ही ड्रामेटिक पहनने का शौक है मेरी तरह तो आप इसको हमेशा के लिए भी पहन सकते हैं सो so, जो मेरी लैशेज है वो है थ्री डायमेंशनल यानी कि थ्री डी है लैशेटी फ्री है हैंडमेड है बहुत ही ब्यूटीफुल फैदरी वलुमिनस लैशेज हैं सो so, आज की वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं कि लैशेज कैसे पहनते हैं इजिएस्ट वे मैं बताऊंगी आपको मैंने पास में भी इस पर वीडियो बनाई थी पर आज फिर से एक क्विक रीकैप कर लेते हैं कि ईजिएस्ट वे क्या है लैशेस को पहनने का सो so, जल्दी से देख लें कि लैशेज कैसे लगा सकते हैं देन हम हमारे स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे कि आपकी आइज पे कौन सा स्टाइल सूट करेगा सो यू गाइज कैन सी हाउ माई मेकअप इज लुकिंग विद द ब्यूटिफुल पंजाब लैशेज एंड नाउ एम गोनाट शो यू द ड्रोमरिक चेंज आफ्टर रिमूविंग दैम लग रही है बिल्कुल ही सेम मेकअप है और अब लैशेज के बिना मेरा चेहरा प्यारा तो लग रहा है पर उतना ग्लैम नहीं सो so, यस yes, ये है लैशेस का डिफरेंस सो so, आज हम जो लैशेस का पेयर लगाने वाले हैं वो है मेरा फेवरेट जिसका नाम है पंजाब और अब हम लैशेस को बहुत ही डेलिकेट हाथों से उतारेंगे क्योंकि ये हैंडमेड लैशेस हैं और ये बहुत ही डेलिकेट है लाइक like, इतना भी डेलिकेट नहीं है बट कोशिश करें कि आप आराम से उतारें और अब बारी आती है इनको ट्रिम करने की ट्रिम करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो इसलिए ताकि आप जान पाए कि आपके आईज पे कैसी लैशेस लगती हैं आप पूरी की पूरी लाश नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये लैशेस लंबी होती हैं और ये बाहर तक आएंगी और आपकी आँख लगेगी बहुत ही ड्रूली सी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है सो so, आपको अपनी आँखों पे इसको प्लेस करना है कि ये आपको कैसी अच्छी लगेगी और अगर आपको लगता है ये आपकी आँख पर पूरी है हो सकता है कि आपकी आँखों का साइज ऐसा हो कि आप पर पूरी फिट आ जाए तो आपको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है पर अगर आपको लगता है कि आपको ट्रिम करना है तो इसे हम करेंगे ट्रिम सो so, मैं इसको इतना अराउंड काट देती हूँ इसी तरह मैं दूसरी लैश को भी कर लूंगी सो so, वंस uh, मैंने मेरी लैशेस को ट्रिम कर लिया है अब मैं लगाऊंगी ग्लू लैशेस को लगाने का सबसे बड़ा ट्रिक ग्लू का ही है क्योंकि ग्लू को आप कैसे अच्छी तरह ड्राई होने देते हैं और टैकी होने देते हैं फिर बहुत आसान हो जाता है लगाना सो so, मैं ड्यू का ग्लू यूज करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है स्मॉल क्वान्टिटी में हम, हम हमारी लैश के बैंड पे लगा लेंगे सो so, हमारी कोशिश होने वाली है कि कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ज्यादा हो अब अराउंड वेट करेंगे हम 30 सेकेंड्स इस समय आप ज़्यादा जल्दी मत करें क्योंकि अगर आप जल्दी में जाएंगे तो फिर आपका आई मेकअप भी ख़राब हो जाएगा कि आपका ग्लू टैकी एंड bit ड्राई होना चाहिए और लैशेज़ आपकी नेचुरल लैशेस पे आसानी से टिक जाएँ तो थोड़ा सा मस्कारा लगा लें आ, ताकि उनको प्लेस होने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आए आपको पता है कि कुछ दिन पहले अब मेरा हैंड बर्न हो गया था तो मेरी लैशेस भी बर्न होगी सो so, बहुत ही कम लैशेस है मस्कारा लगाने के लिए बट इतने से हम काम चला लेंगे और लैशेस को लगाने के लिए जो मैं टूल यूज़ करती हूँ और जो टूल मेरा फेवरेट है जिससे लैशेस लगाना बहुत ज़्यादा आसान है वो है ये वाला ट्वीज़र आई थिंक इसको लैश ट्वीज़र बोलते हैं और इससे मेरी लैशेस की ज़िंदगी बहुत आसान होगी क्योंकि इससे लैशेस को लगाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है So, I guess, मेरा लैश ग्लू थोड़ा टकी हो चुका है अब हम इसको हमारी लैश, आई लैश पे प्लेस करेंगे इससे मैं लैश को मिडल से पकड़ती हूँ मेरी नेचुरल लैश लाइन के नजदीक से नजदीक इसको मैं रख दूंगी और अब जब ये से रख दिया गया है अब इसको मैं अपने हाथ के साथ कॉर्नर्स को एडजस्ट कर लूंगी जहाँ पे भी मुझे लगता है कि वो मुझे चाहिए अब आप अपना समा लें और इसको एडजस्ट करें सो so, आप देखिए कि लैश के साथ कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एक आंख है और दूसरी क्या लग रही है प्यारी तो दोनों ही है पर अगर आपको ग्लैम दिखानी है तो लैशेस अगर आपको नेचुरल दिखानी है तो नो लैशेस और नेचुरल दिखने वाली लैशेस सो so, इसी तरह मैं दूसरी साइड पे प्लेस कर लूंगी आइर हम इसी से एडजस्ट कर लेंगे या आप अपना हैंड भी यूज कर सकते हैं आ, अगला मेरा ट्रिक है कि मैं लेती हूँ एक छोटा सा शीशा बड़े शीशे को लेके छोटा शीशा मेरे आईब्रोज के नजदीक रख के मैं चेक कर लेती हूँ कि वो किस तरह है लैशेस का कहीं से भी बैंड उखड़ा हुआ तो नहीं है क्योंकि उखड़ी हुई लैशेस बहुत अजीब एंड बुरी लगती हैं तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर अगर ऐसा है तो उसे आप इसी पॉइंट पर एडजस्ट करते कर सकते हैं क्योंकि अभी भी उस पर ग्लू है एंड वो टैकी है सो वंस दिस स्टेप इज डन अगला जो स्टेप है वो ऑप्शनल है पर अगर आप करना चाहें तो आप आईलाइनर लेके बैंड को हाइड करने के लिए थोड़ा सा आईलाइनर लगा सकते हैं कि आपका बैंड इवन सा लगे इसी तरह आप आउटसाइड की तरफ क्रिएट कर सकते हैं कि कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगे सो so, इस तरह आप लैशेस आसानी से लगा सकते हैं यू गाइस कैन सी द डिफरेंस अर्लियर एंड नाउ सो ये है स्टाइल पंजाब जो मेरा फेवरेट है मैंने पहले भी कितनी बार बता दिया है ये आपकी लुक को बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक कर देता है स्टाइल आई आम वेयरिंग इज न्यू यॉर्क न्यू यॉर्क स्टाइल का क्या है कि वो राउंड शेप लैशेज हैं जो कि मिडल में थोड़ी लंबी हैं और साइड्स में छोटी हैं और इनर कॉर्नर्स में छोटी हैं सो so, ये लैशेस हर एक के चेहरे पे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को बाहर की तरफ लंबी लैशेस या अपनी आईज को कैट आई बनाना अच्छा नहीं लगता है तो उनके लिए ये वाली लैशेस परफेक्ट होने वाली हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी वॉल्यूम है और ये किसी भी आई पर अच्छी लगेगी और जो इसकी वॉल्यूम है वो हर तरफ इक्वल दिख रही है सो so, ये भी किस्म की ड्रोमेटिक लैशेस हैं जो इनके बालों की लेंथ है वो ओवर द टॉप लंबी नहीं है सो so ये आपको कंफर्टेबल लगेंगी अच्छी लगेंगी आप इनको इवेंट्स पे पहन सकते हैं एवरीडे पहन सकते हैं सो so ये लैशेस भी काफ़ी प्यारी हैं थ्री डायमेंशनल होने की वजह से इसके हेयर बहुत ही नेचुरली फ्लफ़ी किस्म के हैं सो ये भी एक बहुत ही प्यारा पेयर है लैशज़ का और इनका नाम है न्यूयॉर्क एंड आई लाइक दम आई होप यू लाइक दैम ठीक लैशेज़ को उतार के हमेशा डब्बे में रख दें ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा बार पहन पाए इसको आप पहन सकते हैं 25 फाइव प्लस टाइम बस इसकी देखभाल ज़रा अच्छी तरह करनी है देखें इन यहाँ प्यारी लैशज़ मैं तो मेरी लैशेज़ को तो लैश। तो मुझे लगता है कि 25 से भी ज़्यादा 30 टाइम पहन लेती हूँ सो द स्टाइल आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज द स्टाइल डेली जो कि बहुत नेचुरल है और फ्लफी है और लैशज़ uh, एंड पे आके थोड़ा सा विंग देती हैं बट मोस्टली ये राउंड शेप लैशेज़ हैं जो आपकी मोस्टली uh, सारी लैशेज़ का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है सो इट्स नॉट वेरी ड्रामेटिक विंग्ड काइंड इन द लैश और ये बहुत ही लाइट एंड एवरीडे यूज़ की किस्म की हैं और अगर आप सवन है जो ओकेजनली मेकअप पहनते हैं एंड ओकेजनली लैशेस लगाना चाहते हैं अगर आप इस किस्म की लैशेस भी लगा लेंगे तो आँखों में आँखों के मेकअप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा और ये वो वाली लैशेस हैं जो मैं मोस्ट ऑफ Uh, मेरे व्लॉग्स में पहन के रखती हूँ लाइक नेचुरल दिखने वाली सो so, अब जो मैंने लैशेस पहनी है इनका स्टाइल है लाहौर आप देखें कि ये जो लैशेस हैं ये परफेक्ट हैं अगर आपको अपनी आँखों को लंबा दिखाना है क्योंकि ये जो है इसके छोटे बालों से शुरू होकर ये बाहर की तरफ बहुत लंबे एंड विंग किस्म के बाल आते हैं लैशेज़ के हेयर हैं और ये एरिया को आपके ये ड्रामेटिक कर देती है ये लैशेज़ परफेक्ट है अगर आप कैट आई किस्म का मेकअप पहनते हैं तो आपका ये जो एरिया है बहुत ड्रामेटिक लगेगा स्पेशली ये आँख अगर आप इसको स्मोक आउट करते हैं किसी भी शेप की जो आँख है अगर राउंड है तो इससे वो लंबी दिखनी शुरू हो जाती हैं सो so ये है ट्रिक इन लैशेस का अब देखें कि ये लैशेस को पहनने से मेरी आंखों की शेप अलग लग रही है ऐसे लग रहा है कि मेरी आंखें लंबी एंड बड़ी हैं ये लैशेस भी अच्छी ड्रामेटिक लैशेस हैं इवेंट्स के लिए स्पेशल ओकेजनस के लिए और अगर आपको लगता है कि हर दिन ओकेजन है तो उस दिन के लिए मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती हैं लाहौर इस इसका नाम मैंने इसीलिए रखा है कि लाहौर एंड पंजाब दोनों पंजाब हैं तो दोनों ही मेरे फेवरेट हैं सो यस ये है लाहौर लैशेस देखिए आप कितनी प्यारी हैं अगर आप एक ही पैर मेरी लैशेस में से खरीदना चाहते हैं तो इधर लाहौर या पंजाब इन दोनों में से एक खरीदें जैसे भी आपकी चॉइस है और या आई लव दम सो द स्टाइल आम वेयरिंग राई नाउ इज़ मुंबई मुंबई बहुत ही ब्यूटिफुल नेचुरल किस्म की लैशेज़ हैं अगैन पर ये काफ़ी फ्लफी हैं जो आपको वॉल्यूम भी देंगे पर यह बहुत ही सीमलेसली आपकी नेचुरल लैशेज़ के साथ ब्लेंड होकर uh, किस्म की नेचुरली दिखती हैं uh, ये मेरी एवरी डे का इनकी लैशज है जब मैं बहुत लाइट लुक देखना चाहती हूँ अपने चेहरे पर तो मैं इनको यूज़ करती हूँ और ये uh, थोड़ी सी विंग्ड है uh, कॉर्नर्स पे आके पर ऑलमोस्ट ये लैशेस के बालों का साइज़ सिमिलर है लाइक like, ऐसे नहीं है कि बाहर की तरफ आके बहुत ज़्यादा विंगड एंड बहुत ज़्यादा ड्रोमेटिक हो जाएगा पर थोड़ा सा यहाँ पे आके विस्प एंड थोड़ी सी विंगड है सो so, आपको अगर वो इफ़ेक्ट चाहिए नेचुरल दिखते हुए तो ये लैशेस आपके लिए परफेक्ट रहेंगी पर अगेन से मैं कहना चाहूँगी कि आपकी आँखों की शेप कैसी भी हो आप कोई सी भी लैशज़ पहन सकते हैं लैशेज़ पहनने के बाद आपकी आँखों की शेप चेंज लगती है ये लैशेज़ उन दोस्तों के लिए जो हमेशा कहते हैं कि हमें आ, नेचुरल सा दिखना है पर लैशेज़ पहननी है सो तो ये वाला स्टाइल आप में अच्छा so, right Toronto. Uh, Toronto बहुत अच्छा लगेगा सो द स्टाइल आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज़ टरोंटो ट्ररोंटो बहुत ही ब्यूटीफुल लैशेज़ हैं और इनकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम है बाहर से लेके अंदर की तरफ सो so आप काइंड ऑफ कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि इनर कॉर्नर कौन सा है और बाहर वाला कौन सा इससे क्या लगता है कि आपकी लैशेस को एक ही जैसी फुलनेस मिलती है लैशेस के हेयर की और फॉर सम रीजंस टोरटो हमारी लैश लाइन का सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टाइल uh, है हम लोग दो बार सोल्ड आउट हो चुके हैं ट्रॉटो से और मुझे लगता है कि फ़िलहाल भी हम लोग सोल्ड आउट हैं ट्रॉटो से पर या ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लैशेज़ है और ये मीमी में या ये स्मॉल लैशेस पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैशेस हैं और आ, या आप देखें कि इससे आपकी आंखें कैसी लगती हैं ये भी आप आ, कोई भी आई शेप वाले दोस्त पहन सकते हैं पर ये जो लैशेस के हेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी लैशेस नहीं अच्छी लगती हैं लाइक दिस लेंथ तो आई एम नॉट श्योर यू गैस कैन थिंक अबाउट इट पर मुझे तो कोई भी लैशेस की लेंथ और स्टाइल अच्छे लगते हैं क्योंकि हर एक लैश आपकी आंखों को डिफरेंट लुक देती है सो इससे आप देख सकते हैं कि मेरी आंखें कैसे लग रही हैं आप इसको छोटा बड़ा जैसे भी ट्रिम करना चाहें कर सकते हैं आप इसको सिर्फ कॉर्नर में पहन सकते हैं अगर आपको कैटाई लुक चाहिए और आप इसको फुल आई पे भी पहन सकते हैं सो ये बहुत ही प्यारी नेचुरल येट ट्रोमेटिक लैशेज़ हैं सो द स्टाइल आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज़ ऑजी ब्यूटिफुल लैशेज़ हैं ड्रोमेटिक लैशेज हैं अब इनका है कि ये जो लैशेज़ हैं ये सारे बाल सिमिलर हैं अगेन आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा इनर कॉर्नर है कौन सा आउटर पर इनर कॉर्नर में थोड़ी सी ग्रोथ लिटल से, से शुरू होती है बट देन आपके बाल एंड तक लैशेस के एंड तक सेम साइज़ के हैं इसको बोलते हैं कि राउंड शेप लैशेस हैं ये uh, किसी भी आई आईज uh, पे अच्छी लगेगी मोस्टली सारे ही आई मेकअप के साथ अच्छी लगती है पर अगर आप स्मोकी आई पहनते हैं ज़्यादा तो ये लैशज़ उसके साथ परफेक्ट लगेगी क्योंकि ये आपकी आईज को फुलर लुक देती है और ओवरऑल ड्रोमेटिक क्लाशेज हैं ये एक्चुअली ऐसे नहीं है कि बाहर की तरफ विंग्ड है या कैसे हैं एक बहुत ही प्यारा ड्रोमेटिक क्लाशज का पेयर है परफेक्ट है इवेंट्स के लिए ओकेजन के लिए शादियों के लिए और फॉर uh, समवन जिसको हमेशा ही ड्रामेटिक पहनना अच्छा लगता है इन लैशेस को पहनने के बाद ऐसे लग रहा है कि मैंने मेकअप पे बहुत ज़्यादा समय स्पेंड किया है और कोई स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट की है एक्चुअल में ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक था पर इन लैशेज़ के साथ कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया है क्योंकि ये पूरी फुलर लैशेज़ हैं अंदर से लेके बाहर की तरफ सो so, या yeah, यह स्टाइल ओजी लैशेस के बालों की लेंथ अच्छी है पर बहुत ही अच्छी तरह कर्व्ड है ऐसा लग रहा है कि आपने उनको अच्छी तरह कर्ल किया हुआ है सो so, ये साइड से कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती हैं सो so, बहुत ही प्यारी लैशेस हैं ये इन्हीं इसीलिए इनका नाम रखा गया है ऑजी क्योंकि ऑजी मुझे बहुत प्यारा लगता है जो स्टाइल अब मैंने पहना है इसका नाम है चेन्नई जो अपने नाम की तरह ही बहुत प्यारा है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखने वाली थ्री डायमेंशनल लैशेज है ये इनमें बहुत ही आ, अच्छे किस्म के हेयर है बहुत ही नेचुरल दिखती हैं और लेंथ भी बहुत अच्छी है अगर आपको कुछ बहुत ही सिंपल एंड ईजी पीजी सा चाहिए तो ये लैशज़ आपके लिए परफेक्ट होने वाली हैं अगर तो आप एवरीडे पहनना चाहते हैं तब भी आप इसको पहन सकते हैं और अगर आप ओकेजनल पहनने वाले हैं और आपको बहुत सिंपल किस्म की लैशेस अच्छी लगती हैं तो ये लैशेस आपके लिए परफेक्ट होने वाली हैं आप देखिए कि कितनी प्यारी और कितनी नेचुरल लग रही है स्टिल बहुत ही ज़्यादा व्लोमिलेस एंड फ्लफी सी लैशेज़ है ये uh, मुझे ये लैशेज़ काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं आई होप आपको भी लगी होंगी और सो लास्ट बट not द लीस्ट स्टाइल है दुबई द वन एम wearing right नाउ uh, आजकल ये स्टाइल जो है मेरा फेवरेट है uh, ये बहुत ही नेचुरल है lashes एवरी डे के लिए अगेन क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी दोस्त है जो नेचुरल किस्म के lashes पहनना चाहते हैं और uh, मुझे लगता है कि पास्ट मेरे 10-15 vlog से मैं यही वाली lashes पहन रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं बहुत लाइट है, है पर स्टिल आपको थोड़ा पुट टुगेदर लुक देती हैं और थोड़ी सी ड्रामेटिक भी हैं क्योंकि आ, ये लैशेस अंदर से लेंथ इनकी कम है और बाहर की तरफ बढ़ती है पर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ट्रिम करके आ, बस इस एरिया में लगाती हूँ पूरा एंड तक ड्रैक नहीं करती हूं। पर अगर आप पूरा एंड तक ड्रैक करेंगे थोड़ी सी ड्रोमैटिक भी दिख सकती हैं लैशेज़ के बालों की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा नहीं है चेन्नई की तरह क्योंकि वो बहुत ऊपर तक आती है पर कईयों को वो लुक अच्छी लगती है और जितने भी हेयर हैं अच्छी तरह कर्ल्ड है सो ये है लैशेस जो बे ये मेरा फेवरेट है सो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं स्टारे ही स्टाइल्स और ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आपकी आंख पे ये वाला स्टाइल ही अच्छा लगेगा या आप वो नहीं पहन सकते हैं आप कुछ भी पहन सकते हैं अपनी आंख की शेप के हिसाब से इसको ट्रिम करें लगाएं और हर एक आई लैश आपकी मेकअप को और आपके चेहरे को डिफरेंट लुक देती है सो so, आप लैशेस के सारे ही स्टाइल यूज़ कर सकते हैं बस आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना चेहरा किन लैशेस में सबसे ज़्यादा पेटी दिखता है सो so, ये सारी लैशेस हर कोई पहन सकता है ये मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि आप कैसे चूज करेंगे कि आपकी आंखों के लिए कौन सी लैशेज बनी है अगली बात है कि हम लोग शिप करते हैं वर्ल्ड वाइड आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आप लैशेज को खरीद सकते हैं आपको आपकी लैशेज मिल जाएंगी Or... Surprise, surprise. जब मैं ये वीडियो को अपलोड करूँगी तब से लेके अगले 48 एट आवर्स तक मेरे वेबसाइट पे होने वाली है सेल वो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होगी और उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपको मिलेगी एक लाश के साथ दूसरी लाश फ्री आ, ये बिगेस्ट सेल है मेरी वेबसाइट पे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बिकॉज़ ये जो स्पेशल uh, ऑफर है सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है तो इसके लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट के नीचे लिखा गया है उसको यूज़ करें और एक लाइश इसको खरीदें और दूसरी फ्री मिलेगी आपको सो so, येस yes, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मुझे लगता है कि आपको लैश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी और आप अपना पेयर जल्दी से खरीद लेंगे जब से ये वीडियो अपलोड हुई है नेक्स्ट फोर्टी आवर्स के लिए आपके लिए ये सेल है मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें ग्लैमरस रहें लैशेज पहन के दुनिया की नहरी लिया दें थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज आई लव यू गाइज सो मच डोंट फिर गेट यू गाइज आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड वी वीग कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. Bye, Lalu.